शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार 1% से ज्यादा कमजोरी के साथ खुले। गुरुवार को विदेशी बाजारों में आई गिरावट का असर इंडियन मार्केट पर पड़ा। इन्वेस्टर ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उनकी नजरें अमेरिका में रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर है। सुबह 9:55 पर सेंसेक्स 1.3% यानी 711 अंक गिरकर 54,608 अंक पर था, लेकिन बाद में गिरावट और बढ़ गई। आज कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,016.84 अंक यानी 1.84% की गिरावट के साथ 54,303.44 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 276.30 अंक यानी 1.68% की गिरावट के साथ 16,201.80 के स्तर पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.94%, S&P 502.38% और NASDAQ कंपोजिट 2.75% गिरा था। इस वजह से शुक्रवार को इंडियन सहित एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी दिखी। रिलायंस सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मितुल शाह ने कहा, ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंतित हैं। उन्हें अमेरिका में इन्फ्लेशन के डेटा का इंतजार है। एक तरफ इकोनॉमी की ग्रोथ सुस्त पड़ी है तो दूसरी तरफ जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। उधर रूस यूक्रेन क्राइसिस का असर भी मार्केट के सेंटिमेंट पर पड़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से आज मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। इंडिया में इन्फ्लेशन के डेटा, मई के लिए इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा 13 जून को आने वाले हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है। अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन 7.79% था, बाजार में ये 6.95% था। मई के आंकड़े अप्रैल से ज्यादा रह सकते हैं। आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा भी आने वाले हैं। इन्वेस्टर्स दोनों डेटा से पहले कुछ पैसा बाजार से निकाल लेना चाहते हैं। अमेरिका में महंगाई पर नजर, 10 मई को अमेरिका में भी CPI इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं। अगर वहाँ महंगाई के आंकड़े ज्यादा आते हैं तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट 0.5% बढ़ा सकता है। वे पहले ही साफ कर चुका है कि वह महंगाई को काबू करने के लिए इस बार कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का ऐलान, ECB ने गुरुवार को कहा कि वे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। 2011 के बाद वे पहली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है। उसने इकोनॉमी में ग्रोथ के अनुमान को भी घटा दिया है। माना जा रहा है कि जुलाई में होने वाली बैठक में ECB इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। जरूरत पड़ने पर वे दोबारा सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। क्रूड ऑयल में उछाल, क्रूड ऑयल में एक बार फिर से उछाल है। इसका प्राइस $120 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। यूक्रेन क्राइसिस का हल नहीं निकलने और दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर क्रूड पर भी पड़ रहा है। क्रूड में उछाल से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 1.8% या $42.81 अरब पहुँच जाने का अनुमान है। RBI की पॉलिसी, RBI ने कहा है कि वह इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकने के लिए रेपो रेट में और बढ़ोतरी कर सकता है। पिछले 34 दिनों में वो रेपो रेट 0.90% बढ़ा चुका है। करीब 2 साल बाद उसने मई में रेपो रेट बढ़ाया, फिर जून में भी बढ़ाया। इस तरह 2 बार की लगातार बढ़ोतरी से कर्ज महंगा हो गया है। कोरोना के मामलों में उछाल, इंडिया में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इससे इन्वेस्टर्स चिंतित हैं। रोजाना आने वाले कोरोना के नए मामलों की संख्या 7,584 पहुंच गई है। ये 3 महीने में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। इसके बाद केरल दूसरे नंबर पर है। अगर फिर से कोरोना की लहर आती है तो इकोनॉमी का बहुत लॉस हो सकता है। मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।